आप सबका स्वागत है। आज हम 1 अप्रैल के श्रेय वरदान में माउंट आबू, जो कि एक बहुत ही ऊंच तीर्थ स्थान है, देखा जाए तो ऊंच कहा जाता है जो शिखर चोटी पर बनाए हुए मंदिर या कोई ऐसी दरगाहें हों या जगहें हों जहां पर लोग तपस्या या प्रार्थना करने जाते हैं। लेकिन माउंट आबू डायरेक्ट ही परमपिता परमात्मा के जन्म स्थान या अवतरित स्थान की भूमि को हम सब ब्राह्मण लोग जाकर के वहां पर तपस्या कर करके सारे विश्व में आत्माओं को प्रकाश फैला करके उसके महत्व के बारे में बताते हैं। और आज का ये वरदान भी उसी महत्व के बारे में है कि ये कितनी महत्वपूर्ण भूमि है जहां पर परमपिता परमात्मा कलयुग के अंत में संगम के समय में स्वयं धरती पर पधार करके जब सारे धर्म आपस में बट गए होते हैं, अंदर ही अंदर जब धर्म आपस में ही बट रहे होते हैं और बाहर धार्मिक युद्धों में फंसे हुए होते हैं कि मेरा धर्म बेहतर कि तुम्हारा धर्म बेहतर, तो परमात्मा आकर के ऐसे भूले भटके हम बच्चों को, हम रचनाओं को सत्य धर्म का परिचय देते हैं कि कौन सा धर्म सबसे ऊंचा है। जो भगवान का धर्म, जो अल्लाह का धर्म, जो खुदा का धर्म, जो वाहेगुरु का धर्म, वही हमारा धर्म है। तो वो कौन सा धर्म हो सकता है? क्या अल्लाह पंजाबी है, सिख है, मुस्लिम है? क्या अल्लाह क्रिश्चियन है या भगवान गॉडफादर क्रिश्चियन है? क्या है उनका धर्म जो कि हमारा भी धर्म होना चाहिए? उन्होंने किस धारणाओं के साथ में, किस धार्मिक उद्देश्यों के साथ में दुनिया को रचा था, स्वर्ग रचा था इस धरती पर? अगर वो धारणाएं हमारे अंदर हों तो आज इस धरती पर स्वर्ग आ जाए, लेकिन वो धारणाएं हम अंदर नहीं है, इस कारण से आज पूरी दुनिया आपस में झगड़ा कर रही है। हम सब परमात्मा की रचना है लेकिन आपस में लड़ रहे हैं, इसका मतलब हमारे अंदर ज्ञान की कमी है जो कि ब्रह्म कुमारी के द्वारा, परमपिता परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा, आदम के द्वारा फिर से नए ज्ञान की रचना करके हमें फिर से आत्मा अभिमानी बना रहे हैं, जबकि हम देह अभिमान में आकर के आपस में लड़ रहे हैं। तो आज परमात्मा कहते हैं इस वरदान में, एक ही संकल्प में स्थित हो, एक ही संकल्प में स्थित हो, महातीर्थ की प्रत्यक्षता करने वाले, ये महातीर्थ है माउंट आबू राजस्थान में, जिम्मेवार आत्मा भवा। ये आबू विश्व के लिए लाइट हाउस है, सारी दुनिया को प्रकाश देने वाला, क्योंकि परमात्मा गॉड इज लाइट, ट्रुथ इज लाइट, नॉलेज इज लाइट बोलते हैं। इस महातीर्थ की प्रत्यक्षता करने के लिए सर्व ब्राह्मण बच्चों का एक ही संकल्प हो कि हर आत्मा को यहां से ठिकाना मिले, कि हर आत्मा को आकर के अपनी स्व की पहचान मिले और किस अनुसार दुनिया में कर्म करने हैं उसका ज्ञान मिले, जो कि माउंट आबू में सारे शास्त्रों, सिर्फ भगवत गीता नहीं, सिर्फ वेद उपनिषद नहीं, सारे शास्त्रों का निचोड़ दिया जाता है, सबका कल्याण हो। जब यह शुभ आशाओं का दीपक हर एक के अंदर जगे कि हर कोई वहां पर आए, हर किसी को वहां पर आकर के ज्ञान और वहां की भासना मिले, वहां की शक्ति की, वहां की हर कार्य प्रणाली की, कितनी स्मूथली हर कार्य होता है वहां पर बिना कोई हलचल के, सबका सहयोग हो, तब कार्य में सफलता हो, सबके मन से यह आवाज निकले कि यह मेरी जिम्मेवारी है, क्या कि मैं आत्माओं को वहां तक पहुंचाऊं। जब हर एक स्वयं को ऐसा जिम्मेवार समझेंगे तब प्रत्यक्षता की किरण अब्बा के घर से चारों ओर फैलेगी। अब्बा कौन हो गया? अब्बा मतलब पिता, ये एक उर्दू वर्ड अब्बा, इसका मतलब है पिता। तो परम पिता हम आत्माओं के रचयिता हैं, आत्माओं को रचना मतलब ज्ञान के द्वारा रचना। आत्माएं तो अमर हैं, उनको आप फिर से बना नहीं सकते हो, तो वो हमारे ज्ञान के अब्बा हुए, सुख शांति के अब्बा हुए, खुशी के अब्बा हुए, कोई भौतिक अब्बा नहीं हुए, शरीर को बनाने वाले अब्बा नहीं हुए। तो ये सब ज्ञान आपको परमपिता परमात्मा के द्वारा माउंट आबू में डायरेक्ट मिल रहा है और आपका जन्मसिद्ध अधिकार है कि आप भी जाकर के अपने परमपिता परमात्मा के रचना भूमि, किसकी रचना, सतयुग की रचना भूमि पर जाकर के समझें कि किस प्रकार से कलयुग का अंत और सतयुग की आदि करने के लिए परमात्मा धरती पर स्वयं ही आकर के ये ज्ञान दे के जाते हैं। आप सबको शांति इसके साथ।